के दुखिया के हामी गरीब के गमखार के दुखिया के हामी देख रही है अब के हामी गरीब के गमखार दुखियन के हामी गरीब के गमखार अरे दाता के छोटे बड़े सरकार के छोटे बड़े सरकार दाता के छोटे बड़े सरकार के दुखियन के गरीब के गमखार के डाका के छोटे बड़े सरकार के गुलहाए कलियर के गुलहाए कलियर और बगदादी बहार के गुलहाए कलियर और बगदादी बहार डाका के छोटे बड़े सरकार डाका के छोटे बड़े साबिरे पाक ये अल्लाह के वली हैं जो इनके अंदर इतनी जलालियत है जिनके मजार से हमारे नूरान भाई कहते हैं हमेशा अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं कहते हैं कि साबिरे पाक के दरबार से आज भी अगर कोई हेलीकॉप्टर या जहाज गुजरे तो जल करके राख हो सकता इतने जलाली थे कि जिस दिन उनकी शादी हुई अपने बीवी की तरफ एक नजर किए तो बीवी जल करके राख हो गई इतने जलाली हजरत साबिरे पाक है और जिनके ऊपर भूत प्रेत का जहाँ पे समझ लीजिए कत्ल की जाती है और दिया सरकार अल्हम्दुलिल्लाह उसी दर के फैजान है उसी दर के फैजान है साबिरे कलियरी का एक मरतबा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह के अलाउद्दीन साबिर अलाउद्दीन साबिर कलियर के प्यारे अलाउद्दीन साबिर कलियर के प्यारे गौसे आजम के गए ये दुलारे गौसे आजम के गए ये दुलारे और खाजा जे मेरी के राजे दुलार कहिए ना भाई सुभान अल्लाह खाजा अजमेरी के राजे मेरी के राजे दुलार खाजा अजमेरी के राजे अजमेरी के राजे कुमार अजमेर के खाजा के राजे कुमार अजमेर के खाजा अजमेर की बात आई तो मेरा तकरीबन 15-16 साल का मेरी उम्र थी और मुझे सरकार ने कबूल किया मैं हमारे चाचा इसी नगुआ के चौक पर से ये पशुपति पेट्रोल है यहाँ से गाड़ी खुल रही थी बीरगंज के लिए तकरीबन 15 दिन का वो सफर था मैं हाजी साहब को छोड़ने के लिए आया था उस बस में सकीर पेंटर जो है उनकी बस जा रही थी अजमेर से उससे पहले सरकार का बस अजमेर से भी पहुंच गया हमारे चाचा बेचारे बेकार है कि सरकार से पता ना भेंट हुई कि ना हुई सरकार इंडिया से गए थे और हमारे चाचा कह रहे थे कि सरकार के गाड़ी तो हमी से पहले निकल गए सरकार से भेंट हुई कि ना हुई इसी तरीके से हम लोग तमाम हजरात की ज्यारत करते करते और मैं तो मुझे जाना भी नहीं था अनवर चाचा की अल्लाह वालों की शान मैं जाना नहीं था मुझे मैं इनको आया था गाड़ी में पहुंचाने के लिए एक ही आदमी का टिकट था सिर्फ इनकी टिकट थी मुझे जाना भी नहीं था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह वालों के निगाहे करम जब उठ जाए तो समझ लीजिए बाना समझ बेशक जाने की बहुत ख्वाहिश थी दिल में बड़ी ख्वाहिश थी चूंकि एक आदमी का था इसी पेट्रोल पंप पे पशुपति पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगी थी तमाम लोग जा रहे थे हमारे बाबूजान चाचा भी उस बस में जी 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 जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे मैं पहुंचाने आया था और उसमें पहुंचाने के लिए आया इनको ये कह रहे हैं हमारे चाचा कह रहे थे ऐसा करना तू चल हमारे कपड़ा वपड़ा हम ले आए लेगी करे तो क्या करे लेकिन हमारे चाचा ने कहा कि ऐसा करो तुम चलो जिया सरकार ने याद किया है कहिए सुभान अल्लाह जिया सरकार ने याद किया एक कपड़ा पे मैं पहन करके अजमेर चला गया बिटू भाई कहिए सुभान अल्लाह अल्लाह वालों की निगाहें देख रही थी कि उमर के दिल में तो हलचल मचा हुआ अजमेर के खाजा का दीदार करने के उसी एक कपड़ा पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर पहुंच गया जब अजमेर शरीफ पहुंचे तारागढ़ पहाड़ पर पहुंचे तो वहां पे हमारे चाचा को बहुत जगह
ठोकर लगा गिरे, लेकिन गिरते गिरते संभल गए। जिया सरकार जब वापस आए हमारे चाचा के उनके दरबार में गए तो हमारे जिया सरकार का कॉल है कि तुम बताओ वहाँ पे उस जलेबी वाला दुकान पे तुम क्या कर रहा था, जलेबी खा रहा था मर्दूद, तुम मुझे देखा नहीं, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था, और जब तुम तारागढ़ पहाड़ पे चढ़ रहा था तुमको जब ठोकर लगा तो तुमको कौन संभाला तुम्हें पता है? अरे बंधु मैं तो तुमको जब ठोकर लगा तो सहारा देने वाला कोई और नहीं, वो तेरा पीरो मुर्शिद जिया सरकार है। फिर बात आगे बढ़ी, एक वहाँ पे घोड़ा की आवाज आती है तारागढ़ पहाड़ पे, नूरन भाई को शायद पता होगा, घोड़ा की आवाज आती है, सारे लोग घोड़ा की आवाज सुनने के लिए कान लगा रहे थे। तो जिया सरकार कहते हैं कि तोरा कुछ सुना है? तो सरकार चाचा कह रहे कि कहाँ, तो जहाँ पे घोड़वा के आवाज आवत रहे कान में लगा के सुनत रहला, हमरा के ना देख लो हम रानी जहाँ तू घोड़वा के आवाज सुनत रहला। तो ये अल्लाह वालों की शान है, हम दिमाग के तराजू से तौलेंगे ना भाई, नूरन भाई अल्लाह वालों की तराजू से हमारा दिमाग का ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। दिमाग अल्लाह वालों के, अल्लाह वालों की शान को अपने दिमाग के तराजू से तौलेंगे ना तो हमारा दिमाग फेल हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों की शान को समझ नहीं सकते, ये ऐसा पैमाना है, ये ऐसा इनका कनेक्शन है कि जो मदीने के हाई पावर जो ट्रांसफार्मर है ना उससे इनका कनेक्शन है, उनसे इनका कनेक्शन है। अल्लाह वाले आंखों को बंद करते हैं, बाजार में हम लोग को कुछ देखना होता है, हम लोग को कुछ देखना होता है तो बिटू भाई आंख को जी आंख को हम लोग उठा करके देखते हैं, लेकिन अल्लाह वाले आंख को बंद करते हैं तो वो लोहे महफूज तक और से आला पे कितने तुम्हारे जिंदगी में बेटा लिखा हुआ है, कितनी बेटियां लिखा हुआ है सब बता देंगे, बेटा है कि नहीं ये सब बता देंगे। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है।